आज मैं आपको ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगी। ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम हमारे मार से शुरू होती है। डाइजेशन सिस्टम क्या है? पहले द लार्ज फूड पार्टिकल कन्वर्ट इन स्मॉल, जो बड़े पार्ट होते हैं हमारे फूड के वो छोटे में कन्वर्ट हों उसे हम डाइजेशन सिस्टम कहते हैं। डाइजेशन सिस्टम हमारे मार से शुरू होती है। तो सबसे पहले चार चीजें हमारे माउथ में आ जाती है, चिक, टीथ, टंग, लिप। जब हम अपने मुंह में एक निवाला लेते हैं तो वो उसमें इजीली स्लेविया मिक्स हो जाता है। जब उसमें इजीली स्लेविया मिक्स हो जाता है तो वो फ्लश करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो पहले फ्लेक्सिबल था खाना थोड़ा, उसके बाद में सेट हो गया। फ्लेक्सिबल, उसके बाद आया सेमी सॉलिड में, जिसे हम क्या कहते हैं, बोलस। बोलस की शेप में जब खाना आया तो हम निगलने के लिए तैयार हो जाता है। जब निगलने के लिए तैयार हो जाता है तो हमारी जो नर्व होती है दो, एक होती है विंड पाइप जिसे हम लैरिंक्स बोलते हैं, एक होती है फूड पाइप जिसे हम फेरेंस बोलते हैं। जो फेरेंस होती है उससे जब उसके फेरेंस से लैरिंक्स के बीच में एक एपिडर्मिस होती है, जो कि कुछ पार्टिकल्स चले जाते हैं तो हमारे नाक से पानी भी आता है या हमें खांसी भी आती है। तो यहाँ से होकर फिर वो दोबारा फेरेंस में जाते हैं। जब हमारा खाना